दोस्तों, आपने पिछली वीडियो में जो हमने ये मॉडलिंग बनाई थी, इस वीडियो में आपने बहुत अपना प्यार और सपोर्ट दिखाया है और बहुत ही मोटिवेशन मिला है पिछली वीडियो से। तो इसलिए मैंने ये बीम वाली वीडियो इसलिए बनाई है ताकि आपको कुछ नॉलेज और मिल सके। दोस्तों, अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखना। मैं भी आपको गाँव में किस तरीके का काम होता है कम बजट में और किस तरीके से गाँव में काम होते हैं उसी के रिलेटिव आपको वीडियो बनाकर दिखाता रहूँगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अपना प्यार और सपोर्ट जरूर से दिखा देना। देखो दोस्तों, हमारे देश का तिरंगा किस तरीके से लहर रहा है सुबह सुबह मॉर्निंग में। दोस्तों, कुछ इस तरीके से हमने इसमें बाहरली साइड से आपको दिखा रहे हैं पर्दी लगाई है 4 इंची के मसाले में, ताकि हमारा मसाला ना भाग सके। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हो, ये हमने बीम की गोलाई का डिजाइन का सरिया बांधा हुआ है ताकि हमारा गोलाई जो है मजबूत निकले। ये जो आप देख रहे हो मॉडलिंग, इसमें हमने 2 सरिये बनवाए हैं मजबूताई के लिए, ताकि आने वाले टाइम में हमारी मॉडलिंग में क्रैक पैदा ना हो और हमारी मॉडलिंग अच्छे से मजबूताई के लिए मजबूताई रहे। दोस्तों, अगर आप भी अपना मॉडलिंग बनाते हो तो आपको इस मॉडलिंग में जो है सरिये बनने ज़रूरी हैं। आने वाले टाइम में हमारा जो है इसमें करेक नहीं आने का और डिजाइनिंग भी मजबूत रहेगी। दोस्तों, घोल बीम को भरने से पहले हमें इसमें काला तेल या कुछ और, जैसे हमने ये लगाया है, आप भी इसी तरीके से लगा लेना। इससे हमें बहुत ही अच्छी जो है मॉडलिंग के निकलने में जो है हमें अच्छी शाइनिंग आएगी और अच्छे से ये जो है छूट जाएगा। अगर हम इस तरीके से इसे तेल या कुछ और चिकनाई के लिए ना लगाए तो हमारा जो है ये चिपक जाएगा और ये निकलेगा नहीं। दोस्तों, ये हमने 8 सरियों का बीम बनवाया है ताकि हमारे बीम में कोई भी कमी ना रहे और मजबूती से बने रहे ताकत हमेशा के लिए। ये देखिए आप, जहाँ मैं हाथ लगा रहा हूँ, इस तरीके से आप भी अपना बीम बनवाइए। दोस्तों, जैसी भी ये हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर से देना और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत मेहनत लगती है दोस्तों वीडियो बनाने में, तो चलिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, ये हमारे देश की शान तिरंगा है।